ये नजारा है दिल्ली के कृष्णा नगर के गुरुद्वारे इलाके का, जहां पर खाने पीने का सामान और कपड़ों को इकट्ठा कर गाड़ी में भरा जा रहा है, ताकि केरल के लोगों की मदद के लिए सामान इकट्ठा करके केरल भवन तक पहुंचाया जा सके। ये सामान सारा केरला में तेरे जा रहे, जहाँ पर इतनी बाढ़ आई है, बच्चे परेशान हो चुके हैं और बच्चे बेचारे बाढ़ में जूझ रहे हैं और जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। हमारी सारी एफ ब्लॉक की गुरुद्वारे की संगत मिलके खाने पीने का सामान और जो कपड़े वगैरह उनके दे रहे हैं और जिस जो सेवा इसलिए कर रहे हैं कि उनको बहुत राहत मिले। हम सरकार से कहते हैं जल्द से जल्द ये सारा सामान वहाँ तक पहुँचाए और उनको राहत मिले। वहाँ के हमारे जो भाई और बहन है बड़े परेशान हैं, डूबे पड़े हैं पानियों में, बर्बाद हो चुके हैं, एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक बूंद खाने के लिए, कपड़ों के लिए तरस रहे हैं वो लोग। अपनी तरफ से हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं, पहले भी हमारा सामान गया, आज फिर हम सामान भेज रहे हैं और इसके बाद रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी जरूरत है तो एक बार दोबारा हमें मैसेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि सिख कौम हमेशा से सबकी मदद करती रही है और अब भी केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने और पहनने का जरूरी सामान सबके साथ मिलकर इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि केरल के बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा सके। ये केरला में जो बाढ़ है उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जो सिखों से बन सकता है, जो सिख कौम सेवा हमेशा आगे रहती है, इस काम में आगे भी वो आगे रहेगी, इसलिए हम ये सेवा उनके लिए कर रहे हैं, वो भी हमारे जो होगी वो भी हम करेंगे आगे उनके लिए। आम जनता भी केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है, बस जरूरत है तो समय पर मदद पहुंचाने की।